गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो पे। आज हम आए खेत और बहुत सारे लेबर को भी लेके आए हमने। आज वो करने वाला हमारा आलू, ये दिख रहा है पीछे साइड, ये लगा आलू। और ये हमारे लेबर लोग बैठे हैं बहुत सारे, ये आलू बीनने के लिए है। और उधर पीछे साइड वो बैल दिख रहे हैं, जो बैल बहुत पीछे। ये पूजा पाठ हो गई है, अब थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे आलू को। मेरे लेबर की गिनती हो रही है, बाद में पैसे देने में दिक्कत जाती है, नहीं तो फिर। कितने हो गए नाना? 20 लेबर। ये भैया को लेके, ये भैया को लेके 20 लोग हो रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। और एक दो लोगों ने वहाँ पे बैठे हैं, और वो आंटी लोग खड़ी है उधर साइड। जाए हम बैल बकर के लिए, बैल और हाथ के लिए। ये बैल रहेंगे और हर वो रखा है उससे निकालेंगे आलू। आलू निकालने स्टार्ट हो गए हैं, और ये आलू निकल रहे हैं हमारे। ये देखो गाइस, ये बैल लोग अभी से ही बैठने लगे, थक गए बहुत ज्यादा। अभी तो ये थोड़ा ही सा हुआ है, अब ये इतना पूरा बाकी है। ये उल्टे सीधे बैल नवा गए हैं बोले, अब देखते हैं। ये बैल को उल्टी पलटी कर रहे हैं, फिर देखते हैं कैसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या फिर से बैठ जा रहे हैं। ये भागने लगे बैल, बैल को पलटा लिए हैं। वो बैल इधर साइड था, उसको उधर साइड कर दिया, और वो उधर वाले बैल को इधर साइड कर दी। अब देखते हैं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। रोहित से नहीं चल पा रहे, तब ये चिल्लू ये ट्राई कर रहा है इनको। देखो गाइस, चलने लगे चिल्लू भैया से। इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन ये करके पुराने खिलाड़ी हैं, उनसे भी नहीं चल पा रहे हैं ये, इधर उधर भाग रहे हैं ये। नहीं चल पा रहे, नहीं चल पा रहे। तो ये दमदार बैलों को लगाया जा रहा है। जी हल लग गया भैया। ट्रैक्टर नहीं चला सकते यहाँ पे, क्योंकि आलू वगैरह फट जाएंगे, इसलिए हल से काम किया जा रहा है। आलू के लिए, आलू बाहर आ जाएगा इससे ना। हाँ देखना भैया, ये तो बहुत दमदार है भैया। रोहित नहीं बद रहा बैल ना। बैल बहुत दमदार है। ये बैल भी नहीं चल पा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं चल रहा रोहित। अरे यार, ये आलू खुद गए हैं, बिनाई भी चालू है, इधर बीन भी रहे हैं। 50 कट्टे निकल गए अभी, और इसमें एक बार और चलेंगे हर वक्त। एक एक पांच छोड़ के चला है, जैसे कि एक पांच ये है, एक ये वाली पांच है, और एक ही वाली पांच छोड़ दिए हैं, और फिर एक ही वाली पांच में, उससे कि आलू पुरेंगे नहीं और निकल जाएंगे अच्छे से। इसलिए पहले एक बार बीन लेंगे और फिर से चलाएंगे हर वक्त। कर लो छुट्टी, कर लो। ये लेबर सुबह से आए थे, तो इनकी कर दी है छुट्टी, एक बज गए हैं इनके। अब खाने में लंच टाइम हो गया है, खाना वाना खाएंगे, फिर 2 बजे फिर से आ जाएंगे, फिर से काम स्टार्ट होगा अपना 2 बजे। जितने कट्टे भर गए हैं उनकी सिलाई चालू है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। भैया सिल रहे हैं, और एक और भैया भी सिल रहे हैं, चाचा जी भी सिल रहे हैं अपने। तो हम आ गए हैं फिर से खेत, और ये लेबर लोग भी आ गए हैं खाना खा पी के, फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। आज तो मुश्किल है कि हो पाए पूरा, कल ही होगा।
5 बज गए हैं और अभी सभी लेबर को लग रहा है कि 6 बज गए, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, छोटे दिन जा रहे हैं इसीलिए पूरा सूरज ढल गया इधर साइड से, अंधेला भी हो गया बहुत ज़्यादा और ये कट्टी रखी है पूरे खेतों में, उधर साइड ये थोड़ा और बाकी, उधर साइड वो कल होगा, बाकी तो हो गया लगभग लगभग, थोड़ा और बाकी है अभी 1-1.5 घंटे का बाकी, तो 1-1.5 घंटे में इतना हो जाएगा पूरा, फिर फिनिश, फिर छुट्टी करवाते हैं, फिर कल फिर से बुलवाना पड़ेगा इन सभी को। छुट्टी कर दी है तो ये सब लोग जा रहे हैं, कल फिर और आ जाएंगे सभी लोग, थोड़ा और बाकी है, अभी बची हैं कट्टियाँ, तो इनको पहले ट्रैक्टर में उठाना है, फिर बड़ी गाड़ी आएगी उसमें डंप करवाना है। ये गाड़ी में सब आलू भरवाए जा रहे हैं अभी, अभी तो पूरे ही आलू रह गए हैं इधर से, ये आलू के कट्टे पूरे रह गए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नाइट ही हो जाएगी, पता नहीं कुछ दिख भी पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। ये चाचा जी खड़े हैं यहाँ पे, नोट कर रहे हैं कितना किलो हो रहा है कितना किलो नहीं हो रहा है। तो गाइस हम आ गए हैं घर, हो गए आलू कट्टे भर गए हैं, 109 कट्टे निकले हैं, किसी में भी 60 की भर्ती नहीं हुई है, सब में 60 से नीचे की भर्ती है। अब फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर चाय वाय बनती, चाय भी बनी, बनी कि नहीं चाय, चाय रखा गई है, फ्रेश व्रेश होते हैं फिर चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय।